नाम मनीषा है, मैं बोरीवली मुंबई से आई हूँ। मैं जॉब करती हूँ और हम यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव मनाने आए हैं। हम बापू को बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पर। भले आज मतलब ये मौसम, मतलब एक लड़की के आरोप लगाने से उनको जेल में डाला गया, तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है सरकार से कि उन्हें रिहा करे। हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं, आज तक कभी कुछ गलत नहीं देखा है। रिश्तेदार में जाते हो, संबंधी में जाते हो, फ्रेंड सर्कल में जाते हो, संकोच नहीं होता कि आसाराम जी बापू जेल में बंद है, लोग क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों संकोच होगा, वो हमारे गुरुदेव है। मतलब हमारा यस आज भी हमारे गुरुदेव है। हम भी जॉब पर जाते हैं, बहुत जगह पर जाते हैं, हमने कभी बहुत पूछते हैं, बट हमें कोई संकोच नहीं होता। हम निर्दय होके बोलते कि हाँ, आसाराम जी बापू हमारे गुरु है। बापू तो है, प्राउड ऑफ देम। बापू तो जोधपुर जेल में बंद है, उसके बावजूद यहाँ आए हो। यस, उसमें क्या हुआ, हमारी श्रद्धा जुड़ी है इससे। और हमारी श्रद्धा का कोई इंसान आके कोई उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि अब तुम वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर जाओ। वो हमारी श्रद्धा जुड़ी है, हमें कहाँ जाना है हमें पता है। लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है, ये तो बापू के अनभक्त है, तो अंधश्रद्धा, तो उनको क्या कहना चाहोगे? लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोग तो कल उठ के हम पर भी आरोप लगा देंगे, बट हमें पता है ना हम कैसे है, हमारे फैमिली को, मेंबर्स को पता है। और यहाँ हम जो आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही फैमिली है, और हमारी फैमिली पे हमें पता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं।